जी कॉलेज ए तो सब बिजनेस बड़े ही खड़े हुए हां करेंगे डिनर क्या है तुम्हें हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम अली डर गए वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग सर जी कैसे हैं आप सब लोग मुझे उम्मीद है कि मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बिल्कुल खैर आफियत से होगी आज आपकी बहन रेडी हुई खड़ी है अपना प्रैक्टिकल देने जाने के लिए आज मेरा प्रैक्टिकल है वो भी बायो का बायो शरीफ का हड्डी पसली गुर्दे फेफड़े सारे वहाँ जाके लिखने हैं मैंने और मैं अब वहाँ जाने के लिए रेडी हुई खड़ी हूँ और भाई साहब अली वगैरह भी स्कूल से आ चुके हैं और अली मेरा व्लॉग देख रहा है पार्क वाला और आज जो है अली दोपहर के खाने में खा रहा है मीठा पराठा अली ने फरमाइश की मम्मा को मम्मा आज मुझे कुछ मीठा बना दे तो मम्मा ने उसको चीनी वाला पराठा बना दिया और सनी हानी और के घर गया है तो बस अब जो है ना टाइम थोड़ा सा रह चुका है मैंने खाना खाया खाना खाने के बाद नमाज पढ़ी और अब मैं रेडी हो चुकी हूँ वहाँ जाने के लिए टाइम थोड़ा सा है बस जल्दी जल्दी जाते हैं वहाँ पे प्रैक्टिकल शक्टिकल देते हैं गुर्दे फेफड़े जो भी उन्होंने कहा बनाए सुनाएंगे और जी घर वापस आ जाएंगे और एकेडमी की आज मैंने छुट्टी की है आज मेरी एकेडमी में पहला फंक्शन था फूड एंड स्पोर्ट्स था तो मैं मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं वहाँ पर नहीं जा रही क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल सेकेंड टाइम पर है और फंक्शन भी सेकेंड टाइम पर है फर्स्ट फंक्शन था मिस कर दिया है कोई बात नहीं है चलें जी अब प्रैक्टिकल बुक लेते हैं और उसके अलावा पानी की बोतल मुझे भी याद आई हुई थी कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है अब तो वो भी लेते हैं और साथ स्लिप भी रखते हैं ये ना भूल जाए वहाँ पे वो फिर मैं कॉलेज करवा रही हूँ इस ड्रॉ में इस जगह पे मेरी स्लिप पड़ी है तो मुझे ला के दें सो बस जल्दी जल्दी बगैर टाइम को वेस्ट किए चलते हैं और अगर उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी क्या चूचू चूचू को निकलने दे भाई वो तो छोटा चूजा था ना उसने क्या हमें जलील किया हुआ है जहाँ पे भी जाए हमारे पीछे 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 अच्छा जी हम बात कर रहे थे कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट एंड शेयर भी कर दिया करें उसके अलावा बस टाइम थोड़ा सा है जल्दी जल्दी निकलते हैं प्रैक्टिकल के लिए सो जी फाइनली व्यूअर्स प्रैक्टिकल भी हमारा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ है और अब जो है ना मैं आपको कॉलेज का विजिट दिखाती हूँ मैं आ भी गई थी मैंने प्रैक्टिकल भी कर लिया तो अब मैंने जो है कैमरा ऑन किया ये देखें ये है जिलैया का डिग्री कॉलेज जो जो भी यहाँ से पढ़ा हुआ है वो ज़रूर कमेंट करेगा बरीर तुम्हें रहे पकड़ पाए और मैं आपको आगे से भी दिखाती हूँ शायद आगे से परमिशन ना हो क्योंकि पेपर्स वगैरह हो रहे हैं बट आप यहाँ से देख लें ये ग्राउंड है आगे की तरफ हॉल है और यहाँ इस साइड को लैब्स हैं सारी बहुत ज़्यादा बड़ा सारा है तो मुझे क्यों हंसवा रही हो मेरी फ्रेंड मुझे हंसवा रही है बहुत काफ़ी बड़ा सारा ये जो है और इधर देखें वो उसकी बस खड़ी है कॉलेज की इधर देखें छोटी छोटी सीढ़ियाँ लगी हुई हैं आम जो हैं अभी कच्चे हैं बस छोटे छोटे से हैं मैंने अंकल को कहा तोड़ने फिर अंकल ने कहा कि नहीं तोड़नी नहीं है मैंने कहा अंकल वैसे भी तो नीचे गिर रही हैं थोड़ी तोड़ने दे अंकल ने कहा नहीं नहीं है नीचे चाहे गिरती रहें तोड़नी नहीं है आपने हाल देखो पाकिस्तान और ये देखें चलें जी अब जो है ना गर्मी भी काफ़ी हो रही है तो अब हम चलते हैं घर 5 का टाइम है हाँ 5 का टाइम होने वाला है सो घर चलते हैं खिल खिल बुद्धी भई है सलाम कर ये किप्स की स्टूडेंट है तो इससे तो कहाँ मुलाकात होगी इजाज़त दे हमें ठीक है अल्लाह हाफिज़ चले जाएं हम थैंक यू ये हमें दे दें फिर आप बेहोश ना हो जाए नहीं नहीं, नहीं होती है पानी अल्लाह हाफिज़ जी कॉलेज ए तो सब बिजनेस बड़े ही खड़े हुए हाँ ये जो भी कॉलेज से निकलता है ये उस लड़की को इतनी दुआएं देती हैं चलो कैमरे से डर भी है वैसे दुआएं देती है और ये गवर्नमेंट कॉलेज बॉयज़ का है वो गर्ल्स का था जहाँ पे मेरा प्रैक्टिकल था ये इसको बोलते हैं काली चौक और इसको काली रोड भी बोला जाता है ये वाली जो चौक है इसको कॉलेज रोड भी बोला जाता है और ये कॉलेज की बैक साइड है सो जी फाइनली व्यूअर्स अब आप लोगों की बहन घर पहुंच चुकी है और छोटे चुचू को देखूं चुचू और मैं आपको अब सनी की सूरत हाल दिखाती हूँ सनी यस
सोया पड़ा है। ये देख गधे घोड़े से, इसके पास जो भी सामान था ना, गाड़ियाँ गधे घोड़े सारे बेच के सोया पड़े। सो अब जो है ना, मैं थोड़ा इजी होती हूँ, ये हिजाब वगैरह उतारती हुई। गर्मी इंतहा की थी, शक्ल देख के भी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कितनी गर्मी थी। और फिर आप लोगों से जो है, मैं दोबारा कैमरा ऑन करती हूँ और दोबारा आप लोगों से बातें शातें करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ से आप लोग जो है ना व्यू चेक करें बादलों का। और जी अब जो है ना फ्रेश फ्रूट हो चुके हैं, और उसके अलावा अब जो है ना शाम होने जा रही है, 6:30 का टाइम हुआ है। और सनी अभी भाई के साथ गया था, गोलगप्पे खा के आया था, और लिमका भी लेके आया साथ, लिमका भी साथ लेके आया था। और मम्मा जो है अब रात के खाने की तैयारी कर रही है, और इनका देखिए उसको भी चक्कर कैसे हो गया। मैं तेरा मम्मा को जाके बताती हूँ, मम्मा अली लड़ रहे मेरे से। और देखिए यहाँ पे जो है ना पुलाव बन रहा है। फिर आपने कमेंट्स करने हैं कि भाई कभी सब्जी भी खा लिया करो, कोई टींडे शिंडे कुछ खा लिया करो। मैं क्या करूं, बनाए कौन बनाए फिर, जब खाए कोई नहीं तो बनाए कौन फिर है। कोई भिंडी नहीं खाता, कोई वो नहीं खाता, बस सबको गोश्त पसंद है और पुलाव पसंद है। तो हफ्ते में 5 दिन गोश्त पकता है और 2 दिन जो है वो पुलाव बनता है। तो आज पुलाव का डिश कुछ नहीं रखा हुआ, बस जिस दिन मूड होता है तो उस दिन वो चीज बन जाती है। तो अब जो है आज पुलाव बन रहा है, देखिए माशाल्लाह से पुलाव का दम भी खुल चुका है, पुलाव प्लेट में भी आ चुका है। और ये देखिए यहाँ पे रायता भी बना पड़ा है, और सनी भी खाना खाने के लिए आ चुका है। सनी भूख लग रही है बहुत सारी, दही डाल रही है मम्मा, बहुत सारी भूख लगती है तुझे। तुझे खाने में क्या पसंद है? दही डाल रही है। तुझे खाने में क्या पसंद है? ये पसंद है चावल। तो व्यूअर्स अब हम करते हैं थोड़ा सा वेट, क्योंकि अब मगरिब की अजानें भी हो रही है। मैं आपको बाहर चल के दिखाती हूँ, और मौसम भी जो है आज फिर से थोड़ा बादल छादल आने लगे हैं, अजानें हो रही हैं, तो नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद जो है हम डिनर करेंगे। डिनर अली जैसे लोग तो रात का खाना खाते हैं, और मेरे जैसे लोग तो डिनर करते हैं। हम डिनर करेंगे आज, ओके। देखें जी मगरिब की अजानें हो रही हैं। अच्छा है ना, जैसे ही मगरिब की अजानें होती है ना, परिंदों की ना चहचहाट की आवाज़ जो होती है ना, वो बढ़ती 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 चली जाती है। देखो चू 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 ऐसे कानों में सुनाई दे रही है। शायद ये अजानों के वक्त अल्लाह पाक की तस्बीह करते होंगे। और अब हम पढ़ेंगे नमाज, और नमाज पढ़ के फिर डिनर करेंगे। डिनर क्या है तुम्हें? अच्छा, तो व्यूअर्स नमाज वगैरह पढ़ चुकी है। जैसे ही मैंने नमाज ख़त्म की है ना, ऐसे ही मसल्ले पे इतनी मज़े मज़े की खुशबू मेरे नाक को दौड़ी है ना। और ये देखें भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ये देखें जी हमारा पुलाव रेडी हो चुका है। अब खाते हैं अपना पुलाव। आप यकीन नहीं करेंगे, इतने मज़े की खुशबू थी ना आज पुलाव में, मज़ा आ गया। पुलाव खुशबू सूंघ के ही मज़ा आ गया। चलें जी अब खाते हैं अपना पुलाव, और पुलाव खाने के बाद आप लोगों से दोबारा कनेक्ट होते हैं। अगर आप लोगों ने भी खाना है तो आप लोग मेरे घर आ सकते हैं, मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करूंगी। लेकिन आपके आने तक ये पुलाव चट हो चुका होगा। मसला सबसे जो बड़ा वाला ये है ना, वो ये है कि आप लोगों के आने से पहले पुलाव फिनिश। सो बट अब खाते हैं। मैंने तो आप लोगों को दिल से इन्विटेशन दे दिया है, आप लोग कबूल करें या मकबूल करें, आपकी मर्जी। इधर बैठ के पापा को कॉल कर रहा है, पापा को बोल पापा एक लेज ले आए, चिज्जी ले आए, और बस अच्छा भाभी को बुला, भाभी को बुला। नहीं ये झूठ मूठ की ऐसे कॉल कर रहा है। मम्मा पूछ रही है कि सचमुच पापा की कॉल आई हुई है, और ये ऐसे नौटंकी बहाने खोर ऐसे ही कर रहा है। चल आ जा चावल खा रहे, वो किचन में गए पड़े हैं। मम्मा ने अली मांग रहा था, भाई आपने मेरे चावल तो दिए ही नहीं है, तो मम्मा कह रही थी कि आपको स्पेशल कार्ड देना चाहिए। हालांकि मम्मा मेरी माफ पड़ी थी, मम्मा इतना कह रही थी कि आओ अपने ले लो ले लो ले लो, ये सुनते ही नहीं है।
चलें अब हम सनी को भी चावल खिलाते हैं। इसके मुंह पे देखिए सारे छाले हुए हैं अंदर, मुंह के अंदर। सनी दिखाओ, आ करो। चाचू को बताएगा मेरा, छालों छालों का बताएगा। ऐसे ये देखें, ये मुंह को हाथ भी नहीं लगाने देता। चल बेटा चल, ये मोबाइल दे दे मुझे और खाएं चावल, खाएं। नहीं खाता? अच्छा ये मोबाइल तो मुझे दे दे। ओ लैबा आ गई, लैबा इसको पकड़ो, अब तुम ही हैंडल कर सकती हो इसको। चलो हमारा तो खाने का वक्त हुआ जाता है। नींद आ रही है, मुंह पे हाथ रखते हैं जब जुमाई आती है। व्यूअर्स देखें, अब जो है ना सनी भी सोने लगा है और मुझे भी काफ़ी नींद आई हुई है। बट मैंने जो है अभी फ़िलहाल एडिटिंग भी करनी है और उसके अलावा मैंने अपना मैथ का रजिस्टर भी बनाना है, उसको भी बैठ के मैं लिखूंगी। तो टाइम जो है मेरे पास काफ़ी थोड़ा है और काम इतने ज़्यादा करने हैं मैंने। तो फिर इन प्यारी प्यारी सी दुआओं के साथ नींद करेंगे 1K फैमिली अपने इस ब्लॉग को। एंड आप लोग भी मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, पढ़ती हूँ, फिर काम करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। आप लोग मतलब समझते हैं कि व्लॉग्स बनाना बहुत आसान है, बस आप जहाँ जा रहे हो वहाँ का बना लो। नहीं भाई, ये बहुत मुश्किल काम होता है। कभी आप खुद कैमरा उठा के देखें ना। यही करेंगे अपने इस मज़ेदार व्लॉग को एंड और मिलेंगे एक नए मज़ेदार व्लॉग के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं 1K फैमिली से 100K फैमिली पर चली जाऊँ। ये सिर्फ आप लोगों की वजह से मुमकिन हो सकता है। अल्लाह।